हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं आपके साथ एनएमडीसी लिमिटेड की। एनएमडीसी लिमिटेड जब से मैं वीडियो बना रहा हूं यहां पे अगर हम देखें तो उस टाइम से भी ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिया। 100 रुपये की प्राइस से सीधा यहाँ 238 रुपया भी देखने को मिला और बहुत कम समय लिया। बेसिकली एक साल में ही आपके पैसे को ये डबल कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे एनएमडीसी एक साल में आपके पैसे को डबल करता हुआ नजर आया। और यहाँ पे एनएमडीसी के अबाउट हम आपको डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे और पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। एनएमडीसी के अगर यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम चार्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। 2 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा होगा, 1 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है इसके अंदर। खास करके अगर हम बात करें एनएमडीसी की तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे बुलिश बहुत ज़्यादा है, वेरी बुलिश में चल रहा है बेसिकली एनएमडीसी का। और यहाँ पे कहीं पे भी आप चेक करोगे तो जो इसका टेक्निकल ट्रेंड भी दिखा रहा होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे बुलिश में आप देख सकते हैं बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ एनएमडीसी के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बुलिश पैटर्न में टेक्निकल ट्रेंड में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एनएमडीसी का है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वेरी बुलिश दिखा रहा है। और यहाँ पे 10 जुलाई में इसका ट्रेंड चेंज हुआ था, जब 107 रुपये के प्राइस पे था उस टाइम से ये कंटिन्यू अभी तक बुलिश में ही है दोस्तों। तो यहाँ पे आने वाले समय में एनएमडीसी क्या आगे चल के अभी और भी रिटर्न देने की क्षमता रख रहा है या यहाँ से ये एक तरह से गिरावट देखने को मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट के लिए मुझे एंड मेरे टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम चलते हैं एनएमडीसी के डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम एनएमडीसी के यहाँ पे चलते हैं कि कंपनी के अंदर बेसिकली इन्वेस्टर हैं जो क्या कर रहे हैं। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बड़े इंस्टीट्यूशन जो हमें लगते हैं यहाँ पे अभी के टाइम पे, तो एफआईएस की खास करके बात किया जाए तो इन्होंने अपनी होल्डिंग कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिसंबर क्वार्टर में भी इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज करके यहाँ पे 9.91% कर लिया। तो यहाँ पर इन्होंने अपना होल्डिंग है जो बढ़ाया। प्लस हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सितंबर 2021 से और यहाँ पे दिसंबर 2023 तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे स्टेबल नज़र आता है। इनके प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन रिसेंटली एफआईएस यहाँ पे अपनी होल्डिंग को सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च 2023 से ही। मार्च 2023 से क्या अगर हम बात करें तो 2022 से ही ये बेसिकली सेल कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की होल्डिंग इसके अंदर अभी के टाइम पे है नहीं, लेकिन मेन तो गवर्नमेंट की होल्डिंग है, जो प्रमोटर है जो गवर्नमेंट ही है एक तरह से। आप देखोगे यहाँ पे मैं वो भी दिखा देता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही पूरी होल्डिंग है। तो एक तरह से गवर्नमेंट की होल्डिंग ऊपर ऑलरेडी मेजोरिटी स्टेक में पड़ा हुआ है। अब पब्लिक के पास की बात करें तो पब्लिक के पास माइनॉरिटी स्टेक बचा हुआ है। आप देख सकते हैं इनकी पब्लिक के पास होल्डिंग कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट में कम होता गया, डिमांड बढ़ते गया शेयर का और यहाँ पे शेयर प्राइस भागता गया दोस्तों। यहाँ पे शेयर प्राइस बहुत तेजी दिखाया है एनएमडीसी का। और एनएमडीसी का जो हम अभी आपको ट्रेंड जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो ट्रेंड आप देख ही लिए हैं कि बेसिकली इसका जो ट्रेंड है काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली एनएमडीसी की जो फिनेंशियली रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, आप दिसंबर क्वार्टर के खास करके हम Q3 क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करना जरूर चाहेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर का ये रिजल्ट्स है 2022 का और ये दिसंबर क्वार्टर 2023 का। आप देखिए 3720 करोड़ कंपनी सेल्स कर रही थी और अभी के टाइम पे कंपनी 5410 करोड़ का सेल्स की है। मतलब यहाँ पे सेल्स में देखिए कितना बड़ा इजाफा आपको देखने को मिला है, बहुत बड़ा जंप है दोस्तों यहाँ पे सेल्स में। और एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देखने को मिला है,
जितना कि यहाँ पे प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है, सेल्स में इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31% का रहा करता था, जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31% से बढ़ के यहाँ पे 37% हो गया है। इनकी मार्जिन भी इंक्रीज होती हुई नजर आई है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप बात करो तो 914 करोड़ का जो कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, जो अब के टाइम पे यहाँ पे 1482 करोड़ का प्रॉफिट करती हुई नजर आई, तो कंपनी का एक तरह से प्रॉफिट है जो इंक्रीज करता हुआ नजर आया। बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। और यहाँ पे अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम यहाँ पे कम था, यहाँ पे अदर इनकम कम रहा दिसंबर क्वार्टर में, कम रहा अदर इनकम फिर भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट है जो बहुत शानदार यहाँ पे जंप देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 50% का ऑलमोस्ट उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स बढ़ गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या आने वाले समय में ये स्टॉक अभी नहीं भागेगा? ये जरूर भागेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का एक तरह से जो उछाल देखने को मिल रहा है, और आने वाले टाइम में जो यहाँ पे इनका ग्रोथ है, इन फ्यूचर ग्रोथ है जो काफ़ी अच्छा भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्च 2019 से लेके फिनेंशियल ईयर 2024 तक की बात करें तो कंपनी का सेल्स देखिए ऑल टाइम हाई तो सेल्स नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च 2023 में यहाँ पे सेल्स हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए तो यहाँ पे सेकेंड ऑल टाइम हाई अगर हम कहें तो यहाँ पे सेल्स सेकेंड नंबर वाला यहाँ पे FY24 में होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कंपनी यहाँ पे 6433 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कंपनी तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे IMDC की अगर हम डिटेल्स देखें तो 69,000 करोड़ के ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मार्केट कैप नजर आता है, मतलब 70,000 करोड़ कह सकते हैं। स्टॉक का जो पी है अभी भी बहुत लो लेवल पे है, इंडस्ट्री के पी से नीचे ही ट्रेंड है इसका अभी भी। यहाँ पे एक तरह से देखिए इंडस्ट्री का जितना पी है उससे कम के पी पे ही इसका पी अभी भी नजर आता है। लेकिन कंपनी का जो ROCE है, ROE है, ये कंपनी का बहुत शानदार नजर आता है। और आपको पता होगा कि बेसिकली एक कंपनी है जो एक तरह से देखें तो मिनरल डेवलपमेंट, जो इसका जो NMDC का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो बेसिकली फुल्ली गवर्नमेंट ऑन कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1958 से कंपनी ये चल रहा है। और यहाँ पे आयरन आयरन ओरी की बात कर लें, या डायमंड प्रोडक्शन की बात कर लें, या स्पॉन्ज आयरन सेल्स की बात कर लें, तो यहाँ पे विंड पावर जनरेशन की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करती है कंपनी। ये अगर आप देखोगे EPS 22 रुपये, शानदार EPS बना रही है कंपनी। प्रमोटर के पास यहाँ पे होल्डिंग 60%, डेप टू इक्विटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, 0.09% का यहाँ पे डेप टू इक्विटी देखने को मिल रहा है। कंपनी का रिजर्व आप देखिएगा तो 24,194 करोड़ का नजर आता है। कंपनी का रिजर्व बहुत शानदार है दोस्तों। और यहाँ पे कंपनी के फेस वैल्यू अभी 1 रुपया पे है। डिविडेंड कंपनी शानदार देती है, 2.76% का डिविडेंड देती हुई नजर आती है कंपनी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पेटोस्की स्कोर तो आउट ऑफ 10 में यहाँ पे 5 रेटिंग दिया गया, और जो मार्केट प्राइस है अभी के देखने को मिल रहा है ग्राम नंबर उसी के करीब देखने को मिल रहा है, 203 रुपया ग्राम नंबर के अकॉर्डिंग प्राइस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 239 रुपया पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटीज समझ लीजिए कि यहाँ से भी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर उछाल दिखा सकता है, और यहाँ से ये 500 रुपया भी जा सकता है इजली से। तो यहाँ पे मेरा जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 500 रुपया भी बहुत जल्द टच करेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे रिजर्व्स कंपनी का कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, कंपनी की बोरोइंग है जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कंपनी CWIP में काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये सब सारी चीज़ें कंपनी करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के जो मैंने आपको जो वॉल्यूम हमने दिखाया यहाँ पे, मैं वॉल्यूम पे आपके साथ चाहता हूँ थोड़ा सा फिर से वापस। तो वॉल्यूम आप देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होता हुआ अभी के टाइम पे भी नज़र आ रहा है। तो इन फ्यूचर अभी भी इस स्टॉक में और तेज़ी आने वाला है, तो इस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो होल्ड जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने वीडियो दिया है। और यहाँ पे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।